नमस्कार, आप बिहार इंसॉर्ट्स देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ काव्या। बिहार में पूरे 12 साल बाद प्राचार्यों के लिए वैकेंसी आई है। जी हां, आपको बता दें कि यह वैकेंसी जो है 173 पदों के लिए आई है। साथ ही आपको बता दें कि पूरे 12 साल बाद, इससे पहले 2012 में जो है कॉलेजों में प्राचार्यों की नियुक्ति हुई थी। अब अधिकांश प्राचार्य जो है वो सेवानिवृत्त हो चुके हैं। अब इसको लेकर अधिसूचना सरकार की तरफ से जारी कर दिया गया है। क्या कुछ कहा गया है, लास्ट डेट क्या है आवेदन का, इन तमाम चीजों के बारे में इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। आपको बता दें कि बिहार स्टेट यूनिवर्सिटी सर्विस कमीशन ने राज्य के अंगीभूत कॉलेजों में नियमित प्राचार्य के 173 पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू कर दी है। लगभग 12 साल बाद यह वैकेंसी निकली है। इससे पहले 2012 में प्राचार्य के पद के लिए आवेदन स्वीकार किए गए थे। इसमें से चयनित जो भी लोग थे वो अब सेवानिवृत्त हो चुके हैं। बिहार स्टेट यूनिवर्सिटी सर्विस कमीशन ने बुधवार को 173 पदों के लिए अधिसूचना जारी कर दी है। इसमें कहा गया है कि शिक्षा विभाग और सरकार से प्राप्त अधियाचना पर बिहार के विभिन्न विश्वविद्यालय कॉलेजों में प्राचार्य के 173 रिक्त पदों पे नियमित नियुक्ति के लिए पात्र नागरिक वेबसाइट, यानी कि जो भी वेबसाइट दिया गया है वो उस पर जो है अपलोड किया गया है। आपको बता दें कि bsusc.bihar.gov.in पे जाके ऑनलाइन आवेदन 31 जनवरी 2024 के शाम तक कर सकते हैं। जी हाँ, तो टाइम जो है वो अच्छा खासा है। इस नोटिस में भी आप देख सकते होंगे कि टाइम जो है वो 5 PM तक का दिया गया है। 31 जनवरी 2024 तक का टाइम दिया गया है इसके लिए। और साथ ही आपको बता दें कि आवेदन की अंतिम तिथि आयोग ने जारी कर दी है, लेकिन कब से स्वीकार किया जाएगा इसकी जानकारी बाद में दी जाएगी। यानी कि अंतिम तिथि तो अभी जारी की गई है, इस नोटिस में भी आप देख पा रहे होंगे, लेकिन कब से आवेदन स्वीकार किया जाएगा इसके बारे में भी फिलहाल कुछ अपडेट नहीं आया है। आयोग की वेबसाइट पे कुल पदों की सूचना अपलोड कर दी गई है। सचिव ने बताया है कि आवेदन प्रारंभ की तिथि, प्रक्रिया, योग्यता, नियमावली सहित सभी जानकारी जल्द ही वेबसाइट के माध्यम से दी जाएगी। अभी राज्य के अधिकतर कॉलेजों में प्रभारी प्रधानाध्यापक जो है वो काम कर रहे हैं और इसी को लेकर जो है ये वैकेंसी निकाली गई है। नियुक्ति के लिए कहा गया है कि 173 पदों पे प्राचार्यों की नियुक्ति होगी कॉलेजों में, विश्वविद्यालयों में, ताकि जो भी जगह खाली है या फिर जो लोग सेवानिवृत्त हो चुके हैं उनके जगहों पे कौन से लोग आएंगे, उनके लिए क्या कुछ क्राइटेरिया होगा, क्या कुछ पेपर्स लगेंगे, इन तमाम चीज़ों की जानकारी आयोग के द्वारा वेबसाइट पे डाला जाएगा। साथ ही आपको बता दें कि फिलहाल लास्ट डेट तो बताया गया है, लेकिन आवेदन शुरू करने की तारीख अभी नहीं बताई गई है। इन तमाम चीज़ों की जानकारी आयोग जल्द ही देने वाला है। तो फिलहाल के लिए खबर में इतना ही। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।